मॉर्निंग सुप्रभात, जय जितेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वणक्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी महापुरुष ने कहा है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज हम सभी अपने भाग्य और अपनी परिस्थिति को कोसते रहते हैं, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जो कि 1000 बार असफल रहे बल्ब का आविष्कार करने में, अपनी 1000 बार नाकाम कोशिशों के बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। यदि वो भी अपने भाग्य को कोसते, अपनी परिस्थिति को कोसते और अपना प्रयास करना छोड़ देते, तो दुनिया आज इतने बड़े आविष्कार को कैसे जान पाती। आइंस्टीन, जो कि 4 साल की उम्र तक बोल नहीं पाते थे, लोग उन्हें दिमाग से कमजोर मानते थे, लेकिन बाद में वही दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। यदि वो भी असफलता से डर जाते तो क्या इतनी महान उपलब्धि को कभी प्राप्त कर पाते। हम सभी जब भी किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो सोचते हैं कि कितनी आसानी से उन्हें सफलता मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्होंने भी वही मुश्किलें, वही परेशानियां झेली होती हैं जो सफलता पाने के लिए झेलनी होती है। मगर अंतर सिर्फ इतना रहता है कि परेशानियों से निपटने का तरीका उनका अलग रहता है। यूं तो जीवन में सफल होने के कई रास्ते हैं, लेकिन यह निर्भर करता है हम पर कि हम कौन सा तरीका या आदत को चुनते हैं। जितने भी लोग सफल होते हैं ना, उनमें कुछ आदतें समान होती हैं। कुछ ऐसी खास आदतें वो जरूर अपना लेते हैं अपने जीवन में, जिन्हें चाहे जैसी भी परिस्थिति या हालात हो, जरूर दोहराते हैं। इसीलिए मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब हम सभी को ऐसा लगता है कि चीजें हमारे विपरीत हो रही हैं, हर तरफ से हमें निराशा ही निराशा मिलती है। लेकिन इस वजह से यदि हम प्रयास करना ही छोड़ दें तो क्या हम कभी सफल होंगे। किसी ने क्या खूब लिखा भी है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कैसा है हमारा पूरा परिवार? आशा करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफी स्वस्थ है, काफी अच्छा है, अपनी दिन की शुरुआत को काफी बेहतर तरीके से कर रहा है, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है नए जोश, नए उमंग के साथ और एक पॉजिटिविटी के साथ। तो अभी हो रहा है सुबह का समय और हो चुकी है हमारे सुबह की शुरुआत मम्मी का कमरा साफ करने के साथ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। तो आज सुबह होते ही हम दोनों बहनें लग चुके हैं मम्मी का कमरा साफ करने में, और ये देखिए कमरा साफ करते करते हमारे हाथ में क्या लगा है। ये जो गिफ्ट बॉक्स है ना, ये हमने दिया था अपनी छोटी बहन को उसके 18वें जन्मदिन पर। पिछले साल जब मेरी छोटी बहन का 18वां जन्मदिन था ना, तो हमने उसके लिए ना 18 गिफ्ट बनाए थे अपने हाथों से। कुछ गिफ्ट थे जिसमें कि खाने वाली चीज़ें थी और कुछ ऐसे गिफ्ट थे जो कि रखने वाले थे। तो खाने वाली चीज़ें सारी खा गई है और जो रखने वाली चीज़ें हैं ना, उनको बाकायदा अभी तक संभाल के रखी हुई है। कुल मिला करके ना पूरे 18 गिफ्ट थे, जिनमें कि बहुत सारे बर्थडे कार्ड थे, विशिंग कार्ड्स थे, और ये वाला जो गिफ्ट है ना, ये इसी साल हमने अपनी बहन के लिए बनाया था। जब भी किसी का बर्थडे आता है ना, तो मुझे अपने हाथों से उसके लिए गिफ्ट बना करके उसे देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम किसी के लिए अपने हाथों से गिफ्ट बनाते हैं ना, तो उसमें अपना प्यार, अपना लगाव होता है उस इंसान के लिए जो हम उस इंसान से करते हैं। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी को अपने हाथों से गिफ्ट बना करके देना। और ये देखिए हमारी छोटी बहन हमें दिखा रही है कि उन्होंने क्या क्या रखा हुआ है अपने। ये बहुत सारे पेपर के कटिंग वगैरह है, कुछ पेपर है जो कि बहुत संभाल करके रखी हुई है। मेरी बहन को ना पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और पेपर में जो खास तौर से जो आर्टिकल्स आते हैं ना महिलाओं के बारे में, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी बहन का भी सपना है आईएएस बनने का। तो पिछले साल के जितने भी यूपीएससी टॉपर्स रहे हैं, उन सभी का न्यूज़ आया था अखबार में, तो बस उन्हीं को बहुत संभाल के रखा हुआ है मेरी बहन ने। मेरी बहन को ना महिलाओं के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, खासतौर से वे सारी महिलाएँ जो कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया, बहुत सारे संघर्ष किए, लेकिन फिर भी आज उन्होंने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। उन सभी के बारे में उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि निर्मला सीतारमण और हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू। इन सभी का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और ये देखिए हमारे बचपन का साथी, हमारे गर्मी की छुट्टियों का खास तौर से साथी, ये रहा हमारा लूडो, जो कि हम लोग बचपन में खूब खेला करते थे। आप लोग भी खेलते थे कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बचपन में कितना मजा आता था ना लूडो खेलने में। गर्मी का मौसम आया नहीं कि हमारा लूडो निकला नहीं। बचपन में ना हम लोगों का प्रिय खेल हुआ करता था लूडो खेलना, सांप सीढ़ी खेलना, बड़ा मजा आता था। गर्मी की छुट्टियां जैसी होती थी ना, सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, और पूरे दोपहर में बैठ करके लूडो खेला करते थे, आम खाया करते थे पके हुए।
अब तो बहुत लाइट आने लगा है, पहले तो लाइट ही नहीं रहता था हमारे गांव में। और तब हम क्या करते थे ना, बस पूरा दोपहर गुड्डा गुड़िया खेलते थे या सांप सीढ़ी खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, आइस पाइस, बहुत सी चीजें खेलते थे और बड़ा मजा आता था। हमने अभी ना 2 दिन पहले ही ये चादर आया है, ऑनलाइन ऑर्डर किया था अमेजोन से, हमने ये चादर मंगाया है, 2 चादर मंगाए हैं हमने सिंगल बेड के मम्मी के रूम के लिए। दोनों चादर बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल प्योर कॉटन में है। इसका दाम बहुत कम था तो हो रहा था पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन घर पर आने में ना बहुत अच्छा लग रहा है, इनमें प्रिंट भी बहुत अच्छे हैं। ये वाला जो चादर है ना, ये मेरी मम्मी के पसंद का है और एक और चादर है जो कि मेरी पसंद का है। दोनों चादर बहुत अच्छे हैं और इन दोनों चादर के साथ ना पीलो कवर भी आया हुआ है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा वाला चादर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और यदि आपको भी अगर पसंद आता है, आपको भी अगर लेना है ना, तो लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप भी जाके ले सकते हैं। अभी हमारी बहन बन चुकी है डाकू और चढ़ चुकी है टेबल पर पंखे की साफ सफाई करने के लिए। दिवाली के समय पर ना पूरे घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से नहीं हो पाई थी, उस समय पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी, जिसकी वजह से ना साफ सफाई हुई तो थी लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो पाई थी। इसीलिए ना आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि मम्मी का कमरा सबसे पहले अच्छे से साफ कर लेते हैं। और यहाँ पर ना अभी हम और मम्मी निकाले ठंडी का कपड़ा, क्योंकि ठंडी बहुत तेज़ी से आ चुकी है और हम लोगों ने कपड़े नहीं निकाले हुए हैं ठंडी के, रात को बहुत तेज़ ठंडी लगती है। कुछ कंबल वगैरह ना हमने निकाले हुए थे, लेकिन अभी ना एकदम रजाई वाली ठंडी आ चुकी है, तो इसीलिए आज हम लोग अपनी सारी रजाई निकालने वाले हैं और सारे स्वेटर भी निकालने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं छत पर, और ये देखिए जैसे ही हम लोग छत पर आए हैं ना, हमने देखा यहाँ पर एक मोर बैठा हुआ है, लेकिन हम लोग जैसे ही इसके नज़दीक जा रहे हैं ना, वैसे ही ये भाग जा रहा है। फिलहाल अभी चलिए चलते हैं बखार में से गेहूं निकालने के लिए, क्योंकि आज हमें धोना है गेहूं। ठंडी के मौसम में ना कभी धूप होता है कभी नहीं होता है, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज अच्छा धूप हुआ है तो आज गेहूं धो लेते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं बाहर, द्वार के साइड ही ना एक कमरा बना हुआ है, उसी में सारे गेहूं वगैरह रखे हुए हैं बखार में भर करके, तो वहीं से हमें निकालना है अभी गेहूं और फिर लेके चल रहे हैं छत पर गेहूं धोने के लिए। रूम की भी ना साफ सफाई लगभग हो ही गई है, बस झाड़ू लगाना है, इसके बाद पोछा लगाना है, लेकिन ना उसके पहले ना गेहूं धो लेते हैं, क्योंकि ठंडी के मौसम में सुबह के टाइम ना धूप बहुत तेज रहता है, इसके बाद धूप धीमा हो जाता है, तो इसीलिए ना पहले गेहूं धो लेते हैं, इसके बाद झाड़ू पोछा लगाएंगे। और आपको पता है कल रात को ना मैंने अपना जो भी YouTube से पहला पेमेंट आया था ना, वो सारा पापा को दे दिया। बहुत सोचने के बाद और बहुत हिम्मत करके मैंने ये काम किया। पहले तो बहुत डर लग रहा था अंदर से, बहुत हो रहा था कि पापा क्या कहेंगे, कहीं मना ही ना कर दे YouTube पर वीडियो बनाने से, काम करने से, लेकिन पापा ने कुछ नहीं कहा। मुझे बहुत डर लग रहा था कि यदि पापा कुछ कहेंगे, यदि कुछ बोलेंगे तो मैं कैसे फेस करूंगी, क्या कहूंगी पापा को, उन्हें कैसे मनाऊंगी, क्योंकि पापा को मेरा YouTube पर वीडियो बनाना उतना अच्छा नहीं लगता है। और दिमाग में ना मेरे बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन बस मैंने अपने आप से बोला जो होगा अच्छा होगा और डर के आगे जीत है, फिर बस चल दी पापा को सारा अपना पेमेंट देने के लिए। पहले तो नहीं ले रहे थे पापा, लेकिन फिर मैंने उनको जब बोला तो ले लिए, और फिर जब पापा को पेमेंट दे दिया और इसके बाद पापा जब हल्का सा थोड़ा सा मुस्कुराए ना, तब जाके जान में जान आई। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि पापा गुस्सा करेंगे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन बस भगवान का और आप सभी का आशीर्वाद ही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे नहीं लग रहा है कि पापा के मन में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा है, और यदि ऐसा होता तो वो मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ कहते। क्या पता पहले उनके मन में ऐसा कुछ रहा हो, लेकिन अब नहीं लग रहा है कि ऐसा उनके मन में कुछ है। पहले ना उन्होंने मम्मी से एक बार कहा भी था कि मेरा वीडियो बनाना उन्हें उतना अच्छा नहीं लगता है, और फिर क्या पता अभी भी पापा को थोड़ा बहुत अच्छा ना लगता हो, लेकिन समय के साथ ना उम्मीद है कि सब कुछ बदल जाएगा और पापा को भी समझ में सब कुछ आ जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल ना जो बहुत बड़ा डर था मेरे मन में और एक बहुत बड़ा बोझ था सर पे कि क्या होगा क्या होगा, उसका सोल्यूशन निकल गया, अब अच्छा लग रहा है। और आपसे बातों ही बातों में हमारे रूम की साफ सफाई भी बाकी की सारी हो गई है, हमारी छोटी बहन ने ना झाड़ू पोछा सब कर दिया है, और हमारी मम्मी भी लग चुकी है हमारे साथ गेहूं धोने में। मम्मी का तबीयत ना अभी इधर बीच कुछ अच्छा हो गया है, उधर बीच मम्मी का तबीयत नहीं अच्छा था ना, तो एकदम मन नहीं लगता था, लेकिन अभी मम्मी अच्छी हो गई है तो बहुत अच्छा लगता है, काम करने में भी मन लगता है। ऐसे मम्मी का तबीयत अच्छा नहीं रहता है, मम्मी ऐसे बीमार रहती है ना, तो मन कुछ नहीं करता है करने का, और जब मम्मी ठीक हो जाती है ना तब हम लोग को अकेला नहीं छोड़ती हैं, हर काम में हम लोग के साथ साथ रहती हैं, तब
बहुत अच्छा लगता है। और जब मम्मी बीमार रहती है ना, तब हम लोग यही चीज़ मिस करते हैं, मम्मी का साथ, मम्मी का अपनापन, मम्मी का प्यार, वो सब याद आता है। और तब ना अकेले कुछ भी करने में अच्छा नहीं लगता है। बाकी आपसे बातों ही बातों में कब हमारा पूरा गेहूँ धुल गया पता ही नहीं चला, और हमारी मम्मी यहाँ पर फैला रही है सारा साड़ी पर गेहूँ। तो चलिए, अभी गेहूँ तो धुल चुका है और बाकी का सारा काम भी लगभग हो ही चुका है, बस नहाना बाकी रह गया है। तो चलिए, मम्मी यहाँ पर गेहूँ फैला दी है, तो अब हम लोग चलते हैं फटाफट से नहाने के लिए। और बस इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने वीडियो ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हमेशा यूँ ही जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में।